मिलते हैं, एक लोग जो हमें मोटिवेट करते हैं और दूसरे वो जो हमें डीमोटिवेट करते हैं हमारे प्रोफेशंस के लिए। तो हम आज आपके साथ बताएंगे कि आपको कैसे अपने जीवन में आपको सक्सेस प्राप्त हो। मैन किट, आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल श्री कृष्णा क्लासेस में। सबसे पहला जो टिप्स है आज मैं आपको बताऊंगा वो टिप्स है स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसके लिए आप वर्क तो करेंगे, हार्ड वर्क तो करेंगे, लेकिन हार्ड वर्क एक स्मार्ट तरीके से करना होता है। मान लें कि आपको कोई काम करना है, कोई काम मिला आपको, पढ़ना है, एग्जाम है आपका कल, तो आप क्या अब सिर्फ हार्ड वर्क करके पढ़ सकते हैं? यानी कि आप हार्ड वर्क मतलब क्या होगा कि पूरा बुक आप पढ़ लें, जो मान लीजिए आप एसएसटी का एग्जाम देने वाले हैं तो पूरा बुक क्या कर लें, सिलेबस जो भी सर ने बताया सारा पढ़ डाला आपने, लेकिन क्या हर चैप्टर से एग्जाम में आएगा क्वेश्चन? नहीं आएगा। तो आप देखें कि पिछले साल कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, इसे बोलते हैं, और उसी क्वेश्चन पे क्या करें आप काम करें, डिटेल में काम करें, उसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क। 10 बुक ना पढ़े, एक बुक को 10 बार पढ़े, ये है स्मार्ट वर्क। 25 बुक पढ़ ले वो हार्ड वर्क होगा, सिर्फ स्मार्ट वर्क नहीं होगा, क्योंकि 25 किताबों से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी एक किताब से ही आप 25 बार उस पर काम कर चुके हैं। ये हर जगह ये फॉर्मूला अप्लाई होता है कि किसी भी काम को करने के लिए आप 25 बार उस काम को करें तो आप उसमें क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, और जैसे ही आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपसे बेहतर फिर उस काम को कोई कर नहीं सकता है। किसी भी काम को आपने सेट किया है, कोई भी आपका गोल होगा, मान लीजिए आपका गोल है कि एक यूट्यूब चैनल मैंने बनाया, आपने बनाया और आप उसको ग्रो करना चाह रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल पा रही है आपको, रोज वीडियो भी डाल रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, कॉमेंट्स नहीं आ रहे हैं, लाइक्स नहीं आ रहे हैं, ये आपका एक थॉट होगा मन में कि क्यों ऐसा हो रहा है, मैं कंटिन्यू हार्ड वर्क कर रहा हूँ, ये हार्ड वर्क कर रहे हैं आप, स्मार्ट वर्क करें। यानी कि आप उस वीडियो पे, उस कंटेंट पे वीडियो बनाएं जिसका डिमांड है यूट्यूब पे, और उसको बेहतरीन तरीके से पेश करें। रोज दो वीडियो डालने से कोई फायदे नहीं है, आप वीक में एक वीडियो ही डालेंगे, आपका कॉन्टेंट, आपका थॉट, आपका वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी सारा बेस्ट होना चाहिए। ऐसे हर प्रोफेशन पे भी होगा। तो सक्सेस का मतलब है स्मार्ट वर्क प्लस पेशेंस। अब पेशेंस क्या होता है, अब लोग स्मार्ट वर्क भी कर लेते हैं, हार्ड वर्क भी कर लेते हैं, लेकिन पेशेंस खो देते हैं एक समय के बाद। कोई चैनल स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप कंटिन्यूस हार्ड वर्क करते हैं एक साल, दो साल, एक महीने, दो महीने, पांच महीने, पांच साल, और आपको फिर भी सक्सेस नहीं मिलती। आप सक्सेस के पीछे ना भागे, आप अपने काम पे फोकस करें। आपको बहुत सारे बात मिलेंगे, आपके समाज, आपके सोसाइटी में आपको बोला जाएगा कि क्यों कर रहे हो ऐसा, कंटिन्यूस उस काम को लगे हुए हो, लेकिन आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे पता है कि क्या कर रहा हूँ, मुझे सक्सेस मिले ना मिले मुझे खुशी और मुझे कुछ सीखने को मिलेगा इस काम से। आप ये सोच के कोई काम करें, आप यूट्यूब पे ये सोच के ना आए कि मैं यहाँ से इनकम जनरेट करूंगा, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ टैलेंट है जिसे मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। आप इसे अपना पैशन बनाएं, आप इसे अपना पैशन बनाएंगे तब आप सक्सेस प्राप्त करेंगे। तो किसी भी चीज, किसी भी काम को आप कर रहे हैं तो उसमें आप डूब जाए, उसको उसके पैशनेट के साथ पूरा करें, पूरे दिल से करें। जब भी कोई काम दिल से होती है तो उसमें सक्सेस की गारंटीड होती है। तो आप जब भी दिल से कोई काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेंगे। बाकी सभी कोई जानते हैं कि कैसे सक्सेस मिलेगा, उस कोई भी काम को करने से सक्सेस मिलता है और उसको कंटिन्यूस करने से भी सक्सेस मिलता है। तो मैं आपको एक यही एक आखिरी टिप देना चाहूंगा कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करें और आप रिजल्ट की, आउटपुट की चिंता ना करें, आप अपने प्रोसेस पे काम करें। आपके पास जो भी इनपुट्स हैं उसके साथ आप अपने काम को प्रोसेस में डाल दें और आउटपुट की आप, यानी कि रिजल्ट की आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, रिजल्ट आपको एक दिन जरूर मिलेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद आपका सभी का। हम आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।